तो स्वागत है आपका अपने चैनल डियर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से कुछ क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं और आप लोगों के सामने डिस्कस करवाएंगे। तो कहना ये था आप लोगों से कि आप लोग पहले PDF डाउनलोड कर लो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, उसके बाद क्या करना है कि उसको सॉल्व करना। जब सॉल्व करने के बाद जब समझ में नहीं आए आप लोग वीडियो देखना, और ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि कुछ मेरा ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आपका क्या लिखा गया है, क्वेश्चंस आपका लिखा गया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चंस है हम लोग का। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही है कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर टेबल, मतलब आपका दो कॉन्सेंट्रिक क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल है। और इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बस आप लोगों से एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए, ज़्यादा का कोई उम्मीद नहीं है मुझे, बस एक लाइक और एक आपका सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आपका क्या है यहाँ पे कि लिखा क्या कि दो आपका कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर है, आपका टेबल है, मतलब दो आपका रेक्टेंगुलर टेबल, एक आपका आउटर वाला है और एक आपका क्या है इनर वाला दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे कि पहले बना लेंगे इसको। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो दो रेक्टेंगुलर टेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भी दो रेक्टेंगुलर क्या किए, टेबल को ले लिए। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चंस में क्या लिखा है, इसमें कितने लोग हैं ये भी आपका नहीं बताया गया है। हम लोग आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया है कि वन पर्सन इज सिटिंग एट इच कॉर्नर द आउटर टेबल, मतलब आपका प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति आपका बैठा हुआ है प्रत्येक कॉर्नर पे, आपका क्या है एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मतलब क्या, कॉर्नर आपका ये हो गया, कॉर्नर ये हो गया, कॉर्नर ये हो गया, कॉर्नर ये हो गया। आगे क्वेश्चंस में लिखा क्या है कि सारे व्यक्तियों का जो फेस है वो क्या है, इनसाइड है। चलो ठीक है, लिखा है क्या, वन पर्सन इज सिटिंग एट इच बेड ऑफ द इनर टेबल, मतलब क्या है आपका जो है ये लंबे वाले पार्ट पे या फिर छोटे वाले साइड पे आपका एक लोग बैठा है प्रत्येक साइड। ठीक है, और सबका फेस क्या है, इनसाइड है। आ रहा है यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर क्या लिखा है क्वेश्चंस में कि टू पर्सन आर सिटिंग एट इच लेंथ ऑफ इनर टेबल, मतलब दो पर्सन जो है वो क्या है आपका यहाँ पे बैठे हुए हैं इनर टेबल पे। तो दो पर्सन एक नहीं करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पर्सन कर देंगे। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे दो पर्सन कर दिया है। फिर क्वेश्चंस में आपका लिखा क्या है कि द ऑफ द कॉर्नर एंड टू ऑफ द कॉर्नर इन द ऑफ द इनर टेबल आर ऑक्यूपाइड, कहने का मतलब है क्या क्या कि आपका दो लोग जो है वो आपका या तो इस दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं या तो आपका फिर इस दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं भी कॉर्नर डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक कॉर्नर यहाँ और एक कॉर्नर यहाँ भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं। ठीक है, ऑल द पर्सन आर फेसिंग द सेंटर, मतलब आपके जितने भी लोग हैं सबका फेस कहाँ है, सेंटर, टू द सेंटर की ओर है, ये आपका लिखा गया स्टेटमेंट में। ठीक है, एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, एस जो है वो पी के ठीक दाहिने में बैठा हुआ है। ठीक है, तो पी के ठीक दाहिने में बैठा हुआ है कौन, एस। तो पहला कंडीशन ये नीचे की ओर हो सकता है ना, दूसरा कंडीशन ये ऊपर की ओर हो सकता है। अगर नीचे की ओर होगा तो पी के ठीक राइट में आपका एस यहाँ बैठेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर की ओर होगा तो पी के ठीक राइट में आपका एस यहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। चलिए, फिर आपका क्वेश्चंस में क्या लिखा है यहाँ पे कि H इज सिटिंग बिहाइंड Z, H जो है वो Z के बिहाइंड पीछे बैठा हुआ है, मतलब Z के पीछे बैठा हुआ है यहाँ पे H। ठीक है, फिर क्वेश्चंस में लिखा है क्या कि R इज अपोजिट टू Y, मतलब R जो है, मेरा दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिला है कि आपका R जो है वो आपका अपोजिट बैठा हुआ है Y का। ठीक है, Q इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ Y, Y के ठीक राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, Q, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, कमेंटर मिलता जा रहा है हमको। K इज सिटिंग अपोजिट टू S, मतलब K जो है वो S के अपोजिट में बैठा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, X इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, Q के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है आपका, X बैठा हुआ है। तो हम लोग को ये तीन चार टर्म यहाँ भी, दो तीन टर्म यहाँ भी और एक टर्म यहाँ भी मिला है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, लिखा गया है कि भी इज सेम लाइन ऑफ द साइट एज ए, मतलब भी जो है ठीक वहीं बैठा है जहाँ कि आपका जेड, बट नॉट इन सेम टेबल, मतलब आपका सेम टेबल में नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ए इज सिटिंग अपोजिट टू द ई, है ना, एंड इमीडिएट
लेफ्ट ऑफ एच, मतलब ए जो है आपका वो ए के एच के लेफ्ट में बैठा हुआ है, और ये क्या है आपका ई के सामने है, ठीक है, और ये क्या है आपका ई के सामने बैठा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, मतलब ए जो है आपका एच के लेफ्ट में बैठा हुआ है, और एच जो है आपका जेड के पीछे बैठा हुआ है, और जहाँ ए बैठा हुआ है उसके ठीक सामने क्या बैठा हुआ है आपका ई बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर क्या है, ई इज़ एट द आउटर टेबल, मतलब ई जो है आपका वो आउटर टेबल में बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये चारों कॉर्नर में से आपका एक कॉर्नर पे होने वाला है, इतना मेरा कन्फर्म है। द कॉर्नर टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई इज़ नॉट वैकेंट, मतलब इमीडिएट राइट में जो है कॉर्नर आपका, वाई के इमीडिएट राइट में जो कॉर्नर है वो वैकेंट नहीं है। ये आपको वैकेंट नहीं बता रहा है, ये आपको कभी वैकेंट नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि वाई के ठीक इमीडिएट राइट में कोई ना कोई कॉर्नर है। आई बात समझ में, कि y के ठीक राइट में आपका कोई ना कोई कॉर्नर है, और y जब भी बैठेगा तो कहीं आपका मिडिल में ही बैठने वाला है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो हम लोग क्या करेंगे कि e आपका आउटर में होगा और a के ठीक सामने होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, z को यहाँ ले लो। अगर z को यहाँ लेते हो तो यहाँ h यहाँ ठीक पीछे हो जाएगा, अगर h यहाँ पीछे होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका इमीडिएट लेफ्ट में a हो जाएगा, जैसे ही a यहाँ होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा। आई बात समझ में, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, अब सोचो कि y के, एक और क्लू मिला था छोटा सा हमको कि y के ठीक राइट में कोई ना कोई कॉर्नर होगा, मतलब y आपका कहीं ना कहीं मिडिल में बैठने वाला है, ठीक है। तो मिडिल में बैठेगा तो कन्फर्म y के लिए कि यही प्लेस खाली है, y यहाँ तो q यहाँ, q यहाँ तो आपका एक दो, x यहाँ, और जैसे ही x यहाँ तो आपका r यहाँ फिक्स हो जाएगा, है ना। तो आपका सब कुछ क्या होगा, फिक्स होता चला जाएगा। अब क्या है क्वेश्चंस में आपका लिखा हुआ, क्वेश्चंस में आपका लिखा क्या हुआ है यहाँ पे कि x यहाँ बैठ गया, q यहाँ बैठ गया, y यहाँ बैठ गया, y के ठीक बगल वाला जो कॉर्नर सीट है वो आपका वैकेंट नहीं होगा, तो वो भी वैकेंट नहीं हो रहा है। q के सेकंड तो राइट में x बैठा हुआ है, ये भी मेरा कन्फर्म है। दूसरा क्या है आपका कि यहाँ पे एक प्लेस खाली है, यहाँ पे दो प्लेस, और यहाँ पे एक प्लेस खाली। एक चीज़ लिखा था क्या कि P के इमीडिएट राइट में S बैठ रहा है, और S के ठीक सामने आपका कौन बैठ रहा है, K बैठ रहा है, ठीक है। तो K आपका बैठ रहा है, तो मेरे पास एक ही जगह खाली है, यहाँ P बिठाओ, यहाँ S बिठाओ, यहाँ पे क्या बिठाओ, K बिठाओ, और बचा आपका क्या, भी, ठीक है। इस तरीके से मेरा एकदम आसान तरीके से पजल बनाने का, सिटिंग अरेंजमेंट बनाने का नियम आपका ये है कि आप लोग क्या करो क्वेश्चंस में कि पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, और मैंने एक बार पढ़ा क्वेश्चंस और एक बार में आप लोग के हाथ में सॉल्यूशंस है, तो कहने का ये मतलब है कि जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन, छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन, या तो अगर उतना मेमोरी कैपेसिटी है, गजनी नहीं हो, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है, है ना, तो क्या करना है आपको कि याद कर लेना है। अगर गजनी का कंडीशन है तब क्या करना है मेरा कि एक एक इन्फॉर्मेशन को स्टार बना बना कर यहाँ पे नोट करते जाना है, और जब नोट जब पूरा हो जाएगा तब क्या करना है मेरा, वहाँ पे कॉमन टर्म ढूंढना है। कॉमन टर्म कहने का मतलब है कि दो चीज़ों में कॉमन हो, समझ रहे हैं ना, कि आपका ऊपर भी कॉमन हो नीचे भी कॉमन हो, उससे कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरा जुड़ा हुआ हो, वैसे कॉमन टर्म को क्या करना है आपका निकालना है, ढूंढना है, और उसको श्योर शॉट वाले इन्फॉर्मेशन में बदल कर देखना है फिगर में कहाँ बैठ रहा है बिठा कर। और आप चाहो तो विद इन 30 and 40 seconds, विद इन मिनट आप क्या कर सकते हो, उसका सोल्यूशन अपने हाथ में ला सकते हो, मतलब एक से डेढ़ मिनट में पजल आपका सोल्व, 5 का 5 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे कि हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हो, तो एक दो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के, ठीक है। दूसरा क्या बोला क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। अब डायगनली अपोजिट देख लो कुछ नहीं, बस ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जाना चाहिए, ये वाले कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर आना चाहिए, तो मेरे पास डायगनली अपोजिट जो है वो क्या क्या हो सकता है ये बताना है। तो भैया पहले वाला तो ई और ए हो जाएगा, दूसरा वाला भी हो जाएगा, भी और एच हो जाएगा, तीसरा वाला क्यू और जेड हो जाएगा, चौथा वाला क्यू और एच हो जाएगा, पाँचवा वाला जेड और एच हो जाएगा, तो ये सारा आपका डायगनली अपोजिट हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में आपका Q और H दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q और H, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है, सिलोलिज्म है, सिलोक्स है आपका, ठीक है। चलिए
तो आपका ये रिवर्स वाला सिलॉक्स है। क्या है कि रिवर्स वाला सिलॉक्स जो है आपका, मतलब ऊपर में क्या रहेगा, आपका कंक्लूजन रहेगा, नीचे आपका स्टेटमेंट रहेगा, इसी को रिवर्स बोलते हैं सिलॉक्स। ठीक है, तो कंक्लूजन एक या दो या तीन देगा और ये चार पांच ऑप्शंस आपका दे देगा। इसी में से क्या करना है, बताना है कि आपका कौन सा जो सिलॉक्स, ये कौन सा स्टेटमेंट जो होगा, ये वाले कंक्लूजन को आपका फॉलो कर रहा है, तो वही चीज़ हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो ये रिवर्स सिलोलिज्म उन लोगों के लिए अच्छा है या उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग पहले से ओल्ड वाला जो पैटर्न वाला जो मेरा सिलॉक्स था वो वाला पढ़ चुके हैं। अगर सिलोलिज्म अगर नहीं पढ़े हैं पहले वाला, तो मेरा एक वीडियो है, वो जाकर देख लो आप लोग। ठीक है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया आप लोगों को, तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग को क्या करना है कि पीछे वाला वीडियो देखना है, सारा में आपका पीडीएफ अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ डाउनलोड करें, बनाए क्वेश्चन, नहीं बने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें अपना, है ना, वहाँ मेंशन करें, जो भी होगा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चंस लिखा क्या गया है कि ए ऑल सेल्स कैन नॉट बी रिंग सेल कैन नॉट बी रिंग, मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं नो लगा हुआ होगा इसलिए आपका कैन नॉट लग रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, मतलब नो वाले केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी लगने का चांसेस नहीं होता है। फिर दूसरा क्या है, नो रिवर इज रिंग रिग रिग, है ना, ये अलग दिया है। नो रिवर इज, अच्छा वही है, नो रिवर इज क्या हो जाएगा, रिग्स लिखा है, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा गया, कुछ में सम लगाया, पहला वाला ए वाला अगर स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चंस में तो लिखा गया सम रिवर आर सेल, सम सेल आर ब्रिक्स और नो ब्रिक्स इज ए रिग। अब देखो ब्रिक्स और रिग के बीच में आपका, है ना, नो लगा हुआ है, तो यहाँ कहीं भी आपका ब्रिक्स है क्या, है ना, और ब्रिक्स आपका नहीं है और रिग जो है उसी से रिलेटेड है, तो जो आपका ब्रिक होगा वो सम वाले केस में सेल्स और रिवर्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। कैसे, हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सम रिवर लिखा, देखो यहाँ पे सम रिवर आर क्या लिखा है, सेल लिखा है, सम सेल आर क्या लिखा, ब्रिक और नो ब्रिक इज क्या लिखा, ब्रिक्स लिखा। ठीक है, पहला वाला है क्या कि यहाँ पे ऑल सेल कैन नॉट बी रिक्स, सभी सेल जो है वो रिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है कि नो रिवर इज रिग, कोई रिवर रिग नहीं है, तो ये तो मेरे लिए कहना गलत है ना आपका, ये तो पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है भी और नहीं भी। ठीक है, दोनों चीज़ आपका, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या है कि नो सेल इज ब्रिक, नो सेल इज क्या है, ब्रिक है, ऑल रिग आर ब्रिक्स, हाँ ये तो लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि नो सेल, कोई जो सेल है वो आपका ब्रिक नहीं है, ब्रिक्स लिखा या ब्रिक्स लिखा है, ब्रिक्स नहीं है, है ना, एंड ऑल रिक्स आर क्या है, ब्रिक्स है, ऑल रिक्स आर यहाँ पे ब्रिक्स है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑल रिवर आर सेल लिखा है। ठीक है, रिवर आर ए भी ये लिखा है यहाँ पे, मतलब क्या है, ये जो डायग्राम है आपका, ये जो डायग्राम है आपका क्वेश्चंस में यहाँ पे, ये वाले डायग्राम से कहीं भी ब्रिक से मतलब नहीं, और जब ये ब्रिक से मतलब रिलेटेड नहीं होगा तो आपका रिक से भी रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ए लिखा गया यहाँ पे, नो ए इज़ बी एंड ऑल सी इज़ बी एंड ऑल डी इज़ ए। ठीक है, तो आपका कोई ए आपका बी नहीं है, तो कोई सी भी आपका ए नहीं होगा, क्योंकि पूरे बी के अंदर आपका सी इंक्लूड है। ठीक है, कोई ए आपका बी नहीं है तो कोई डी भी आपका बी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या लिखा, पहला वाला हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कंक्लूजन को कि ऑल सेल कैन नॉट बी रिक्स, सभी सेल जो है वो कभी रिक्स नहीं, सभी सेल कैन नॉट बी रिक्स, सही बात तो है, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि नॉट लगा हुआ है और पॉसिबिलिटी में भी नॉट है आपका। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि ऑल रिक्स आर ब्रिक्स, ऑल रिक्स आर ब्रिक्स, ये भी बात आपका क्या है, सही है, तो फिगर बना हुआ है। दूसरा क्या है, क्या लिखा गया, नो रिक्स और नो रिवर इज रिग, नो रिवर इज रिग, ये भी बात है, जब दोनों में रिलेशन ही नहीं है तो मेरा इस दोनों का रिलेशन चल नहीं सकता है, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ये हम लोग देख लेते हैं।
दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपका लिखा गया है यहाँ पे, नो स्टॉप इज ए लिंक। नो स्टॉप इज ए क्या लिखा गया, लिंक। नो स्टॉप इज ए लिंक, ठीक है, लिंक है। सम पेट्स आर नॉट लिंक्ड, सम नॉट लगाया ना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लगाया था नो, मतलब दोनों आपका क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाला है तो हमको नेगेटिव स्टेटमेंट भी चाहिए, ठीक है, और खासकर स्टोव और लिंक में जो है वो नो का रिलेशन होना चाहिए, सम और ऑल चलेगा नहीं, ठीक है, और ये नॉट वाला रिलेशन आपका लिंक और पेट्स में होना चाहिए। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा गया, सम लिंक्स आर पेट, लास्ट में लिखा गया है सम लिंक्स आर पेट्स, ये वाला गलत, क्योंकि इसमें सम का चर्चा और यहाँ आपका नो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन ऑलवेज राइट इस टाइप के कंडीशन में, तो कंक्लूजन आपका सही, हम लोग का स्टेटमेंट सही गलत का पहचान करना है। तो ये वाला आपका क्या, सम लिंक्स आर पैट्स लगाया, सम लिंक्स आर नॉट पैट्स यहाँ पे लिखा गया है, तो ये नॉट है, ये इसमें आपका नॉट नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो हमको निगेटिव ही चाहिए। और उसी चीज़ के बारे में आपका निगेटिव बात किया और यहाँ उसी चीज़ के बारे में आपका पॉजिटिव बात कर दिया, तो यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में कि दूसरे वाले में क्या लिखा है कि ऑल लिंक्स आर पैट्स लिखा है। देखो दूसरे वाले में ए नंबर वाला ये था, बी नंबर वाले में लिखा है क्या, ऑल लिंक्स आर पैट्स, तो ऑल लिंक्स आर पैट्स हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो सम नॉट लगा हुआ है, ये वाला भी गलत। तीसरा वाला क्या है, सम स्टॉप्स आर पैट्स, सम माउस और लिंक एंड नो माउस इज पैट, ये लिखा है ना, तो स्टॉप लिंक्स और पैट तीनों का चर्चा है, लेकिन इसमें रिलेशन दूर का है सम के केस में, देखो कैसे। थर्ड वाला क्या है कि सम स्टॉप्स आर पैट लिखा ना, सम स्टॉप्स आर क्या लिखा है, पैट्स, सम माउस और लिंक्स लिखा है, नो माउस इज पैट, नो माउस क्या हो जाएगा, पैट एंड सम माउस इज लिंक, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है कि सम स्टॉप आर लिंक्स लिखा है यहाँ पे, तो कुछ नो सॉरी नो स्टॉप इज लिंक लिखा है, तो कोई भी स्टॉप और लिंक में देखो यहाँ दूर का रिलेशन सम वाले केस में बनना, मैंने बताया था सम वाले केस में अगर दूर का रिलेशन हो तो वो रिलेशन सम वाले केस में कंक्लूजन में सही कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। स्टॉप पैट और ये लिंक का रिलेशन दूर है, फिर लिंक और पैट में भी देख लो, लिंक यहाँ पे पैट यहाँ पे, तो ये रिलेशन सही होगा लेकिन फिर भी ये वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर वाले में क्या है, फोर्थ वाले में कि सम पैट्स आर नॉट माउस ऑल लिंक्स आर, हाँ ये सही तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, सही तो है ये, सम पैट्स आर क्या लिखा है, नॉट माउस, ठीक। फिर लिखा ऑल लिंक्स आर माउस, नो स्टोव इज ए माउस, ठीक, ये हो गया आपका। तो क्या लिखा क्वेश्चन में, सम स्टोव्स नो स्टोव इज लिंक, कंफर्म है कि माउस ये माउस और ये स्टोव में कोई रिलेशन नहीं है, तो लिंक का भी कोई रिलेशन नहीं होगा पहला वाला। सम लिंक आर नॉट पैट, कुछ जो लिंक है वो क्या है आपका, कुछ जो पैट है वो आपका क्या है, लिंक नहीं है। दोनों में अगर नो का केस है तो आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी आपका दोनों का चल सकता है, सम नॉट और नो का भी चल सकता है, तो ये फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में। थर्ड वाला क्या है ये हम लोग देखते हैं, थर्ड वाला में लिखा है क्या क्वेश्चंस में आपका कि सम कैब्स आर नॉट सेट, सम्स कैब आर नॉट, सम नॉट लगाया, ऑल मेटल कैन नेवर बी कैब, कैन नेवर लगा गया, कभी नहीं पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला अगर कंक्लूजन देखेंगे तो फर्स्ट वाले में लिखा गया ऑल सैक्स आर कैब, ऑल सैक्स ये ऑल सैक आर कैब, ऑल सैक आर कैब लिखा यहाँ पे, तो ये सम नॉट लगा, यहाँ ऑल लगा है, तो पहला वाला गलत। दूसरे वाले में आते हैं ऑल आर कार कैब, सम नो सैक इज आर्क एंड ऑल सार्क आर सैक आर मेंटल हो जाएगा, ऑल सैक आर क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, लेकिन हमको कैब और मेंटल के बगल में, कैब और मेंटल के बगल में ढूंढना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं, मेंटल कैब सैक दोनों है, तो सम सैक सम आर्क आर कैब हो जाएगा यहाँ पे,
नो सैक इज आर्क, नो सैक इज आर्क लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑल सैक आर ऑल सैक आर मेंटल, ऑल सैक आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेंटल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि सम कैब्स आर नॉट सैक, कुछ जो कैब है वो सैक नहीं है, ठीक है। तो ये पहला वाला तो सही हो रहा है, लेकिन ये भी मेरा फॉलो होना चाहिए। क्या लिखा है, ऑल मेंटल कैन नेवर बी कैब्स, ठीक है, ऑल मेंटल कैन नेवर बी कैब्स यहाँ पे। ये ऑल के बारे में बोला, ये सम का रिलेशन है आपका, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल मेंटल कैन नेवर, ये तो हो सकता है ना कि सम आपका मेंटल कैब में आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ ऑल के बारे में बोल रहा है, कैन नेवर बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला आपका चेक करेंगे, ओ इसी पे था क्या, अच्छा थर्ड वाले में क्या लिखा था कि सम मेंटल आर सैक, सम मेंटल आर क्या हो जाएगा सैक, ठीक है, ऑल सैक आर क्या हो जाएगा आर्क, ठीक है, नो आर्किस क्या हो जाएगा कैब हो जाएगा, ठीक। पहला वाला मेरा क्या था कि सम कैब आर नॉट सैक, सम कैब आर नॉट सैक, सही है, दोनों में नो का रिलेशन है तो सम नॉट वाला चलेगा, पहला वाला कंक्लूजन सही। दूसरा वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑल मेटल कैन नेवर बी कैब्स, ऑल मेटल कैन नेवर बी क्या हो सकता है कैब, सही बात है कि ऑल मेटल जो है वो कभी भी कैब नहीं हो सकता है, ये वाला भी सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला मतलब सी नंबर, ठीक है।